इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। क्योंकि शाहिद आफरीदी साहब ने आपको ज्वाइन किया हुआ है, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत ना करें। शाहिद आफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लाला हमारे पाकिस्तान के ज़बरदस्त तरीन प्लेयर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए, ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप। वेल, मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है, ख़ास तौर पे वहाँ के बच्चों के लिए, जिन्हें एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी खेलने के लिए। नेशनल प्लेयर्स के साथ बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे और वहाँ पे क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी मैनेजमेंट को और शहरयार आफरीदी साहब की एफर्ट को। प्रेसिडेंट साहब आए थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इसको मैं फ्यूचर में एक देखना चाहता हूँ कि फ्यूचर में एक ऐसा टैलेंट जहाँ पे क्रिकेट का और इवन कि फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक है वहाँ पे बच्चों को, तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। आई होप कि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शाहिद साहब, ये बताइए कि इस लीग से कश्मीर के हवाले से आपके ख्याल में दुनिया में किस किस्म का पैगाम जाएगा, इंटरनेशनली लोग किस तरह से इसको देखेंगे, और ये भी बताइएगा कि लीग की आमद, मतलब लीग जब होगी, शुरुआत होगी, तो उसमें बाहर के इंटरनेशनल खिलाड़ियों की आमद का कितना इम्कान आपको लगता है। देखिए जी, इनिशिएटिव लिया गया है और मैं ये समझता हूँ कि जब वहाँ पे स्टार्स जाएंगे, सेलिब्रिटीज जाएंगे, इस लीग को सपोर्ट करेंगे, खेलेंगे उन लड़कों के साथ, तो ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त, ग्लोबली बड़ा ज़बरदस्त मैसेज जाएगा वहाँ की तरफ से कि वहाँ के बच्चों को कितना शौक है क्रिकेट का, पुरमन लोग हैं, बड़े प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त आएगा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बड़े नाम हैं, वो भी आके खेलेंगे। पहला साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम सबकी दुआ है, मेरी दुआ है खासतौर पर कि अल्लाह ताला इस पहला साल जो है केपीएल का वो कामयाब। अच्छा, ये भी बताइएगा शाहिद भाई कि जो मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक है और पाकिस्तानी हुकूमत उसके लिए जिस तरह काम कर रही है, तो ये क्रिकेट लीग उसके लिए किस तरह मददगार साबित होगी। देखिए, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये एक ग्लोबली बड़ा जबरदस्त मैसेज जाना है और सबको पता है, पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है इस वक्त, उस जुल्म की इंतहा भी क्रॉस कर चुका है। तो ग्लोबली एक मैसेज लाजमी जाएगा और हमारी कोशिश है कि इस मैसेज को और फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए, बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आएंगे वो भी देखेंगे अपनी आंखों से ये सारी चीज कि वहां के लोग अमन पसंद लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितना कंट्रीब्यूट किया जा सके। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के आपस के ताल्लुकात में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी का बड़ा किरदार रहा है। अब जो हालात हैं, हम बात नहीं कर रहे, वो हमसे बात नहीं कर रहे, हमने तो फिर हमारे वजीर आजम ने ऑफर्स किए हैं मुख्तलिफ बैठने की, लेकिन वो नहीं मानते, जाहिर है उनका मकसद कुछ और है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन को कितना जो है ये इस किस्म की कोशिश जो है खासतौर पर कश्मीर प्रीमियर लीग उसमें बेहतरी ला सकती है। देखिए, मेरा जो बिलीव है एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ एथलीट, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिससे हमेशा रिलेशनशिप बेहतर पास्ट में भी रहे और अभी भी हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा आपस के जो ताल्लुकात हैं, आपस में जो नेबर्स मुमालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात, पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा, पाकिस्तान हुकूमत, कि हमारे बेहतर से बेहतर हैं होने चाहिए, और मैं भी इस चीज पे, मेरा बिलीव है कि हमारे बेहतर होने चाहिए। स्पोर्ट्स एक वाइट ऐसा जरिया है जिससे हमेशा ताल्लुकात बेहतर। क्रिकेट को मैं क्यों कहता हूं कि इसलिए कि क्रिकेट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा आफ्टर मेरे ख्याल में रिलीजन है और हमारे मुल्क में भी क्रिकेट बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो क्रिकेट के जरिए से जो सियासतदान मैं समझता हूं कि वो रोल अदा नहीं कर सकते जो क्रिकेट के जरिए या क्रिकेटर्स के जरिए आपस में ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तो हमेशा मैं सपोर्ट करता हूं, इस चीज को एंडोर्स करता हूं कि स्पोर्ट्स तो खासतौर पर क्रिकेट कभी भी जो है वो सियासत की नजर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शाहिद भाई, एक वक्त था कि लग रहा था कि आप सियासत में आने वाले हैं, लेकिन अब आप जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर है, आपकी फाउंडेशन भी चल रही है, तो वो जो सियासत में आने का इरादा था, क्या वो आपने तर्क कर दिया या अभी है इरादा। देखिए, मेरा पहले भी सियासत में कोई ऐसा रुझान बिल्कुल नहीं था। हाँ, फॉलो करता हूँ, चीजों को देखता हूँ, मेरा अपना पाकिस्तान है
तो इसमें जो भी चीजें हो रही होती हैं, शौक होता है इंटरेस्ट लेने का, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमेशा सोचने की आदत रखी है मैंने, और कोई शौक नहीं है अभी फिलहाल ना कोई, मैंने इस तरफ फोकस हूँ, मेरा फाउंडेशन है, मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन के थ्रू आप बहुत खिदमत कर सकते हैं लोगों की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जो मेरी सेकंड इनिंग है, जो फाउंडेशन है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनली शायद साहब, पाकिस्तानी कौम को और नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, ये जो अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हुई है, जाहिर है इस्तेफादा हासिल करेंगे, पैगाम क्या देंगे आप उनको फाइनली? बिल्कुल जी, जिस तरह कश्मीर को वहां के लोगों को हम सपोर्ट करते रहे हैं हमेशा, मेरी रिक्वेस्ट पूरे पाकिस्तानी कौम से है कि इस लीग को भी उसी तरह ही सपोर्ट करें। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि एज ए एम्बेसडर इस लीग को मैं ऑन कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को होता है दी एंड, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा शाहिद अफरीदी किस तरीके से अपना दोगलापन फिर से दिखा रहा है। शाहिद अफरीदी वही खिलाड़ी है जो कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि हमें भी खिलाओ आईपीएल, पाकिस्तानियों को भी खिलाओ आईपीएल, और उससे कुछ दिन पहले बोल रहा था कि हमें इस तरीके की घटिया लीग में नहीं खेलना, चाहे हमें कितना भी पैसा मिल जाए। तो दोस्तों, शाहिद अफरीदी अब करवा रहा है कश्मीर प्रीमियर लीग। कश्मीर प्रीमियर लीग इसमें होंगे पीओके के जो शहर हैं उनके खिलाड़ी, और ये एक छोटा सा टूर्नामेंट होगा। इसका ऑफिशियल नाम तो होना चाहिए पीओके प्रीमियर लीग, लेकिन अब पाकिस्तान करवा रहा है तो ये कश्मीर प्रीमियर लीग होगी, और इसमें जो पीओके की सिटीज़ हैं उसके प्लेयर खेलेंगे। हालांकि अभी पीओके से कोई भी प्लेयर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तक नहीं पहुंच पाए। इकलौता प्लेयर एक PSL खेला था, लेकिन उसको भी एक दो मैच में खेलने मिले थे लाहौर कलंदर से, उसके बाद उसे खेलने नहीं मिला। और यहाँ पर भारत में पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कश्मीर से, जो भारत का कश्मीर है, भारत का तो पूरा ही कश्मीर है, लेकिन जो अभी भारत में कश्मीर है उससे इंडियन टीम में रिप्रेजेंट कर चुके हैं परवेज़ रसूल, और IPL में बहुत सारे खिलाड़ी खेल चुके हैं। आपको पता होगा लगभग 4 से 5 खिलाड़ी IPL में खेल चुके हैं। इस साल हैदराबाद से खेला था, एक साल आपको याद होगा मुंबई इंडियंस से खेला था, और पंजाब से भी एक दो प्लेयर थे। तो अभी IPL में बहुत सारे कश्मीर से प्लेयर खेल चुके हैं। तो ये कश्मीर की लीग होगी, ये लीग कम प्रोपेगेंडा ज़्यादा होगा। आपको पता है यहाँ पर वही बकचोदियाँ होंगी जो ये ट्विटर पर करता है शाहिद अफरीदी, कश्मीर कश्मीर, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये अब दोगला क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मिक्स कर रहा है, फिर बोल रहा है क्रिकेट को खेलना या होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। तो आप समझ सकते हैं इस दोगले की बात है। इस दोगले ने केवल दोगलापन ही किया है, पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, बताया कि मैं 16 साल का हूँ और था ये 21 का, और सेंचुरी मार गया और रिकॉर्ड होल्डर रहा कई साल तक। फिर अपनी बुक आई, उसमें खुलासा किया कि ये तो झूठी एज थी मेरी, मैं तो 21 साल का था जब मैंने सेंचुरी मारी। आप समझ सकते हैं, हालांकि इसने फिटनेस पर काफ़ी काम किया और अभी भी ये लंका प्रीमियर जैसी लीग में खेल रहा है, और आगे चलकर ये भूटान प्रीमियर लीग में भी खेल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलना, और शाहिद अफरीदी के बारे में जो शब्द आप बोलना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कॉमेंट लाइक किए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।